हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम। यहाँ पर बुंडेसलीगा लीग का मैच हो रहा है आरबी लाइपज़िग वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड के बीच 7 बजे। एंड बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइज, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रही, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। एंड बात करें अगर हम इस मैच की, तो लाइपज़िग एक बहुत टॉप टीम है। बोरुसिया डॉर्टमुंड कुछ मैचेस अच्छे खेल रही है, कुछ नहीं खेल रही, इसलिए मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि इस मैच में सिंगल साइड ट्रस्ट मत करना गलती से भी। ये बुंडेसलीगा लीग है भाई, और आरबी लाइपज़िग टॉप 5 में बैठी है, और बोरुसिया डॉर्टमुंड भले ही क्यों ना हो लेकिन तब भी बराबर की टक्कर है। पहले हम लोग लाइपज़िग को अनफेवर कर देते थे, लेकिन जिस फॉर्म में इस वक्त लाइपज़िग है, लास्ट के 3 मैच में टोटल इन्होंने किया है 5, 6, 7, 8, 9, 10, पूरे 10 गोल लास्ट के 3 मैच में इसने किए हैं लाइपज़िग टीम ने। इसलिए बोरुसिया डॉर्टमुंड कुछ नहीं मेरे हिसाब से इनके आगे तो मुश्किल करेगी क्रिएट। तो दोनों तरफ से गोल होंगे, लेकिन जीतने के चांसेस लाइपज़िग के। तो आगे बढ़ते हैं, तो स्ट्राइकिंग की बात करें, देखो भाई स्ट्राइकिंग सेक्शन में मैं सबसे पहले लूँगा एल ओपेंडा को, जो कि मेरा मेन प्लेयर है। ओपेंडा को मैं अभी किसी भी मैच में ड्रॉप नहीं करता, भले ही कोई भी हो। लेवरकुसन को गोल लगा चुका है, और WBN को, फ्रीबर्ग को, KOL को, बेयन मनीच, हर टीम, स्टूटगार्ट, लेवरकुसन, हर टीम को भाई एल ओपेंडा ने गोल किया है, और इस सीजन सबसे ज़्यादा गोल आई थिंक इसी के हैं। और एन फलक्रक की बात करें, तो यहाँ पर मैं लूँगा फलक्रक को। एन फलक्रक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सेबेस्टियन हेलर तो बहुत समय से इंजर्ड है, और के एडमी इस मैच में नहीं बनता। द रीज़न इज़, मैं आपको बताता हूँ, मैं 20 एस्को को ले रहा हूँ यहाँ पर, और अगर मैं उसको लूँगा तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं ये छोड़ता हूँ तो आगे से मिडफील्डिंग के अंदर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो रेगुलर गोल रेगुलर करता हो गोल। इसने 3 मैच में, लास्ट के 3 मैचों में 2 गोल किए हैं और 1 असिस्ट भी की थी, तो बहुत बढ़िया यहाँ पर गेम प्ले है। एंड मिडफील्डिंग की बात करें, तो स्केवियर सिमंस अभी डोमेस्टिक लीग में तो बहुत ज़्यादा चलता है, जैसे ये डोमेस्टिक लीग है तो यहाँ पर गोल दिखेंगे, लेकिन जब बात आएगी इंटरनेशनल खेलने की, जब बात आएगी नीदरलैंड्स की तरफ से खेलने की, तब ये भाई गया, फिर नहीं खेल पाता है। एंड ऑलमो की बात करें, ऑलमो की वापसी हो चुकी है, ऑलमो खेलेगा लोग, बट ऑलमो को कैप्टन मत रखना, ऑलमो से ज़्यादा बेटर ऑप्शन और भी है। उसके बाद एमरियस की बात करूँ, तो यहाँ पर मैं लूँगा एमरियस को। एमरियस के बाद ब्रांटी, एमरियस नहीं खेला तो डी मलेन को लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी क्या है ना कि मोस्टली प्लेयर्स इंजर्ड चल रहे हैं। जैसे सैबिटाइजर की बात करूँ, तो सैबिटाइजर सिर्फ फिट है, ई कैन नहीं खेल रहा, डी मलेन नहीं खेल रहा, सेबेस्टियन हेलर नहीं खेल रहा, जेडन सेंचो को हम लेते नहीं, तो हमारे लिए तो सिर्फ 2 ही प्लेयर बचे, रियस एंड एम सैबिटाइजर, तो मैं इन दोनों में से जो खेलेगा लूँगा। एंड बात करें डिफेंडिंग की, डिफेंडिंग के अंदर पहले तो आप देखो डी रॉम को लो, उसके बाद एक एन स्क्लॉटरबैक, मैट हेमल्स को लास्ट मैच में रेड कार्ड मिला था, तो मेरे हिसाब से ये तो खेल नहीं रहा, तो इसलिए मैं उसकी जगह पर, मेरे पास अनेक ऑप्शन है, तो उसकी जगह पर मैं एक प्लेयर लूंगा जिसका नाम है जे रियर्सन। और बात करें गोल कीपिंग में, मैं लूंगा जी कॉबल को। भले ही आप सोच रहे होंगे मैंने एक डिफेंडर क्यों लिया यहाँ का, मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक तो देखो ये डबल साइड टीम नहीं बना रहा, और मैंने यहाँ से 2 स्ट्राइकर इसलिए लिए कि मैंने जी कॉबल लिए, तो जी कॉबल को इन दोनों को रोकने के पॉइंट तो अच्छे खासे मिल जाएंगे क्योंकि दोनों बेटर हैं। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन है हमारा ओपेंडा, वाइस कैप्टन है यहाँ पर सिमंस, रख लो या रख लो फलक्रक, दोनों में से मैं फलक्रक के साथ हूँ, तो ये मेरी टीम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।